यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सीएम मनोहर लाल आज रोहतक के दौरे पर रहने वाले हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में पात्र अध्यापक संघ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और रोजगार से प्राप्त युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन शर्मा, सीएम मनोहर लाल खट्टर आज रोहतक आने वाले हैं और यहाँ पर युवाओं से भी बातचीत करने वाले हैं जिनको रोजगार मिला है। जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है लगभग 11:30 बजे के करीब जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में पात्र अध्यापकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे और रोजगार प्राप्त युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो रोजगार प्राप्त करने वाले अनेक युवा हैं उनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे और वे वहीं पर जो है युवाओं को संबोधित भी करेंगे। जी जी, तो कब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंच जाएंगे, ये कार्यक्रम कब होगा शुरू? देखिए, चंडीगढ़ से 11:15 बजे का उनका चलने का टाइम है और यहाँ रोहतक पहुंचने का जो है 12 बजे तक का समय है उनका मुकर्रर किया है, क्योंकि वो स्टेट हेलीकॉप्टर से ही आएंगे और उसके बाद जो है लगभग शाम को 4:30 बजे जो है वापिस चंडीगढ़ के लिए चले जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद रोहतक पहुंचने वाले हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर 11:15 बजे, हालांकि इस समय बताया गया है चंडीगढ़ से निकलने का।